I would like to wish everybody a happy Mother's Day to all the people that have mothers. मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें जाके जोर से कस के जाके गले लगाएं और उन्हें thank you करें for all that they do for you and do not take them for granted because आपके जो parents हैं आपकी भलाई के लिए आपके बारे में चिंता करते हैं तो जो कहते हैं उसे सुनिए उसे समझिए उन्हें नकारिए मत don't take them for granted कहीं ना कहीं they are the reason why you will become what you will become so I humbly request all of you जो आज देख रहे हैं जाके मेरी तरफ से अपने मम्मियों को गले लगाइए और बस कुछ बोलने की जरूरत नहीं बस गले लगा देना वो खुद ना खुद समझ जाएंगे and you should all consider yourself very very lucky that you have parents mothers and fathers who care for you and worry about you so thank you अब आगे बढ़ते हैं जी जी यार लोग आप ये एक हफ्ता पहले पूछते तो बहुत सारी चीजें दिमाग में थी अब दिमाग सुन हो गया क्योंकि अब पांच दिन बचे हैं तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है और वो फ्राइडे करीब आता जाता है कहीं ना कहीं मैं सुन हो जाता हूँ मैं सोचना मुश्किल हो जाता है समझना मुश्किल हो जाता है आप एक मशीन की तरह बस ऑपरेट कर रहे हो कि आप कैसे उस फ्राइडे तक पहुँचो बिकॉज कहीं ना कहीं इतनी मेहनत इतनी लगन से हम पिक्चर बनाते हैं और इवेंचुअली फ्राइडे को उसका नतीजा निकल जाता है तो सोचिए कि साल डेढ़ साल आप एग्ज़ाम की तैयारी करो और फिर उसके बाद नतीजा फ्राइडे को तो बहुत पॉजिटिव हूँ हर पिक्चर के पहले हमेशा पॉजिटिव होता हूँ बिकॉज मैं ऑडियंस को बहुत बड़ा दर्जा देता हूँ इन डिसाइडिंग द फेट ऑफ द फिल्म तो आई फील ऑडियंस हमेशा सही मानती है अगर उनको अच्छी लगी तो सही है नहीं अच्छी लगी तो हम दोबारा कोशिश करते हैं बट इतने जल्दी रिलीज़ के इतने करीब आपने पूछ लिया कि अभी इस वक्त थोड़ा सा दिमाग हिला हुआ है तो पॉजिटिव हूँ पर थोड़ा सा अभी सुन हो चुका हूँ मतलब सच में पता नहीं अब जो होगा फ्राइडे को अच्छा ही होगा ऐसी दुआ करता हूँ जी बिल्कुल आप पिछले हफ्ते थैंक यू सो मच पाँच साल से आप सबके साथ आप सब मुझे पाँच साल से सहन कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे अच्छे दिन बुरे दिन आपने सब देखे अब मैं मानता हूँ कि हम कहीं ना कहीं पहले एक आध साल में मैं हमारे इक्वेशन की बात करूँ बतौर मीडिया और मैं पहले एक आध साल हमें भी अचाश करने को लगता है समझने को यू नो कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं है क्या सही है क्या गलत है कितना समय निकालना पड़ता है आपकी निजी ज़िंदगी में अगर कुछ ऊँच नीच हो रही है उसका मतलब ये नहीं कि आप मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करो सौ चीज़ें समझने को समय लगता है क्योंकि आप सब आते हो अपना काम करने हम आते हैं ताकि हम लोगों तक पहुँच सकें तो कहीं ना कहीं एक फैमिली वाला इक्वेशन बन जाता है पर धीरे धीरे मेरे साथ भी वही हुआ आई थिंक पहले एक आध साल कोई मुझे समझ नहीं पाया सब सोचते थे कि मैं बहुत झगड़ा करता हूँ मैं बहुत घमंडी हूँ मैं रूड हूँ मैं बात नहीं करता पर ऐसा नहीं था एक्चुअली मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि कितना कुछ होने वाला है मेरी ज़िंदगी में तो पहले एक आध साल टाइम लगा पर अब मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बात करके बिकॉज कहीं ना कहीं आई फील एक रिस्पेक्ट है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है एक रिलेशनशिप है मैं यहाँ सालों साल रहना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि बहुत सारा काम करूँ तो आप सबके ज़रिए लोगों से बात करने का मौका मिलता है और आप सबके साथ भी समय इतना बिता चुका हूँ कि कम्फर्टेबल हो गए इंडस्ट्री ने मुझे बहुत प्यार दिया बहुत अच्छा काम मिला है करने को साथ ही साथ आई थिंक ऑडियंस से जो प्यार मिला है पाँच साल के अंदर मैं सच कहूँ तो आई हैड नॉट इमेजिनड इट मतलब अगर आप करियर देखें मेरा ये मेरी आठवीं फिल्म है पाँच साल के अंदर कुछ बन जाना कुछ हासिल करना एक अपनी स्टैंडिंग क्रिएट करना आई थिंक हर एक्टर की ख्वाहिश होती है बट चाहे आप टू स्टेज ले लीजिए कियन का ले लीजिए इशक ज़ादे मेरी पहली पिक्चर गुंडे हो चाहे मैं जब मैंने टीवी किया जब हम स्टेज शोज करते हैं हर सिचुएशन में मुझे प्यार ही प्यार मिला है जब भी ट्रैवल करता हूँ तो आज भी लोग आके कहते हैं अरे यार तुमने जो इंटरव्यू दिया बहुत अच्छा लगा या तुमने वो जो पिक्चर में काम किया बहुत अच्छा लगा तुमने जो शो होस्ट किया वो अच्छा लगा और अनजान लोगों से प्यार मिला है वो आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ होती है फॉर एन एक्टर दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट व्हेन समबडी डजंट नो यू एंड दे मेक दैट एफर्ट टू कम एंड टेल यू समथिंग नाइस सो दैट लव ऑफ द ऑडियंस इन फाइव ईयर्स दैट आई हैव रिसीव्ड आई नेवर एंटिसिपेटेड ऑफकोर्स बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका भी मिला यार आई थिंक आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट आई थिंक अमंगस्ट इवन माई जनरेशन the co-stars I've had, I've worked with so many fantastic actors, whether it is Rishi Kapoor, Irfan Khan, Manoj Bajpayee, Priyanka, Deepika, Alia, Sonakshi, you know, there have been so many amazing co-actors, Kareena, I've had a chance to work with Amit Ji, abhi Anil Chachu ke saath kaam karne ka mauka mila hai, so many amazing technicians, so Hindustan mein, I think log honge, itni badi population mein, jinmein
हाथ गिन के लोगों को मौका मिलता है, मतलब आप उंगलियों पे गिन सकते हो जो मौका मिलता है. तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मौका मिला है. एंड आई कीप वर्किंग हार्ड बिकॉज आई फील आई ओव इट टू द प्रोफेशन. आई डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड बिकॉज लाइक आई सेड देयर विल बी सो मेनी पीपल आर वॉचिंग वुड वॉन्ट टू बी इन माई प्लेस. तो बिल्कुल मेरे पे निर्भर है कि मैं कितनी मेहनत करके इसे आगे ले जा सकता हूँ. सो आई एम इमोशनल अबाउट द फैक्ट दैट आई हैव सर्वाइव्ड 5 इयर्स. पर मैं चाहता हूँ कि ये 5-10 में बदले, 10-15 में बदले और वो चलते जाए बिकॉज आई लव वट आई डू. आई जेन्यूनली लव बींग एन एक्टर, आई लव बींग इन दिस प्रोफेशन. और एक्चुअली सच बात यह मुझे और कुछ आता नहीं, तो थोड़ा अटक जाऊँगा. जी जी. आपको लगता है कि जैसे कॉलेज में होता है, आम लाइफ में भी होता है कि हाँ यार मैं तो कॉलेज गया नहीं तो आम लाइफ में भी होता है कि लोग क्रश बोलते हैं, जी, जी, बोलते हैं. अब जी. उसको एक नाम मिल चुका है कि अगर किसी को दोस्ती के ऊपर का रिश्ता और प्यार से थोड़ा कम हो जी. उसको एक नाम मिल जाएगा हाफ गर्लफ्रेंड का. नहीं ऐसा प्यार से कम नहीं. क्या होता है कॉलेज में आप किसी को पसंद करते हो, वो अगर आपको ना पसंद करे या पसंद नहीं करती, आप जानते नहीं हो, तो वो एक अलग चीज़ होती है. अगर आप किसी को जान लेते हो, किसी के साथ एक रिलेशनशिप, एक इक्वेशन, एक दोस्ती से ज़्यादा बात चल जाती है, कहीं ना कहीं वो भी आपको पसंद करते हैं या करती है, उसके बावजूद वो रिश्ता अधूरा रह जाता है बिकॉज कॉलेज ख़त्म हो जाता है, आपको नौकरी मिल जाती है, या उनकी कोई पुरानी रिलेशनशिप थी जिसकी वजह से उनको कमिटमेंट का इशू है, या सैकड़ों रीजंस होते हैं. If that relationship is left incomplete, जो बीच में आधे अधूरे जो जो एक खटास मिठास से भरे रिश्ते होते हैं जिनको आप दर्जा नहीं दे पाते, चेतन ने बस एक नाम आप सबको याद दिलाने की कोशिश की कि ये सब हमारे साथ होता आया है, होते रहता है. यू कॉन्ट कंट्रोल समटाइम्स वैन यू फील मोर देन जस्ट फ्रेंडशिप फॉर समबडी एंड इवन द अदर पर्सन फील्स इट फॉर यू, बट इट माइट बी मोर कॉम्प्लिकेटेड देन ट्राइंग टू जस्ट बी विद अ पर्सन एज अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड. तो ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से लोग जाके मानना शुरू करते अरे मेरी हाफ गर्लफ्रेंड बन जा, बिकॉज ये छिचोरा नहीं है. इट्स नॉट फ्रिवलिस, इट इज़ नॉट मस्ती, इट इज़ नॉट फिजिकल, इट इज़ एन इमोशनल बॉन्ड दैट टू पीपल शेयर वेर देर इज एन इमोशनल कनेक्ट फ्रॉम बोथ साइड्स. मे बी वन पर्सन कैन ओनली कम हाफ वे इन द सिचुएशन, बट इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन जस्ट गो एंड आस्क अ गर्ल और अ गाय कि हाफ गर्लफ्रेंड बन जा, हाफ बॉयफ्रेंड बन जा. इट्स नॉट लाइक दैट. एंड आई एम होपिंग पिक्चर देखें, अगर आप ट्रेलर देखें तो आप देखें कि जो माधव झा का किरदार है वो पूरी शिद्दत से मोहब्बत करता है, और उसका वही है कि ठीक है तुम आधे रास्ते आ सकते हो, कोई बात नहीं, मैं पूरा निभाऊंगा. और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर आपसे प्यार उतना ही कर सकता है, आप अपना प्यार कम कर दो या प्यार करना छोड़ दो, आप फिर भी अपना प्यार जारी रख सकते हो, आप निभा सकते हो. सो आई थिंक जब आप फिल्म देखेंगे तो द वर्ड हाफ गर्लफ्रेंड विल मेक अ लॉट मोर सेंस टू एवरीबडी एंड इवन स्पेशली द कॉलेज गोइंग किड्स हु मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी. इनके बाद आप बात. हाँ इनके बाद फिर इनके बाद इतने ही हैं. अर्जुन ये फिल्म की बात हुई लेकिन रियल लाइफ में एम्बेसडर टू द स्टार होने के नाते कितना बड़ा चैलेंज है गर्लफ्रेंड होना, क्योंकि यू आर ऑलवेज इन द आई ऑफ द मीडिया. जी देखिए क्या होता है, कहीं ना कहीं अब 5 साल बीते हैं तो इन 5 साल में आपने देखा है कि काम कितना ज़्यादा है, कितना ज़रूरी है. तो कहीं ना कहीं आई हैव ऑलवेज प्रायोरिटाइज वर्क एंड आई गेस समवेयर इट्स नॉट ईजी टू प्रायोरिटाइज वर्क एंड हैव अ रिलेशनशिप दैट इज स्टेडी. इट बिकम्स डिफिकल्ट, मुश्किल हो जाता है कि अगर आप काम को इतना इंपॉर्टेंस दो तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ अधूरी सी रह जाती. बट दैट्स अ चॉइस यू टू मेक. सी आई एम ओनली 32, अभी आई एम टर्निंग 32 नंबर. एक्चुअली अभी 32 बोल के ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी भरकम उम्र हो गई, जब शुरू किया था तो 25-26 का था. मैं हमेशा कहता हूँ यू नो मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, पर कहीं ना कहीं अगर तैयार होता तो अब तक कोई ना कोई मेरी जिंदगी में होती. जब सही समय आएगा तो वो अपने आप हो जाएगा. दीज थिंग्स कैन बी फोर्स्ड एंड ऑल्सो लाइक आई सेड आई हैव गिवन माई वर्क एवरीथिंग. Hopefully I'll be more stable as time comes in the future. I do not go by the public eye because देखिए आपको जब पर्सनल आपके रिश्ते होते हैं वो तो आपके पर्सनल रिश्ते ज़रूरी होते हैं, बट आई हैव बीन सो कॉट अप विद वर्क आई हैव नॉट हैड द टाइम और द पॉसिबिलिटी टू क्रिएट दैट फाउंडेशन. द वे आई वर्क हार्ड टू क्रिएट दिस वर्क फाउंडेशन आई हैव नॉट बीन एबल टू गिव दैट टाइम टू माई पर्सनल लाइफ बिकॉज ऑल्सो वैन आई स्टार्टेड I lost my mother just at that time, you know. तो मैं भागा दौड़ी में कि मैं काम करना चाहता हूँ, I want to be busy. I just kept working. And then अब वो एक नशा है, अब वो एक जुनून है. अब क्या है, जब काम नहीं होता तो काम ढूंढने का मन करता है. तो खाली बैठने की आदत ही नहीं रही और वो पसंद नहीं आता है. तो उस चक्कर में क्या है, 5 साल बीत गए पर रिलेशनशिप्स को टाइम नहीं दे पाया बिकॉज आई ऑलवेज लुक्ड फॉर वर्क मोर देन माई पर्सनल. बट लेट्स सी, लाइफ बहुत लंबी है और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ छोकरा अभी जवान है तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा. यार बहुत मुश्किल होता है ऐसे बोलना क्योंकि जब भी आप एक बोलते हो दूसरा ही होता है आपके साथ. इन सिचुएशन में हमेशा उल्टा ही होता है, आप बनाते हो अपने दिमाग में. और ऐसे कुछ होना नहीं चाहिए, कल को क्या पता मैं किस किस्म की लड़की की तरफ अट्रैक्ट हूँ या कोई मेरी तरफ अट्रैक्ट हो.
बस इतना जरूर कहूँगा, एनी गर्ल हु वॉन्ट्स टू डेट मी और एंड्स अप इन अ रिलेशनशिप विद मी, आई होप शी अंडरस्टैंड्स कि मेरा समय मेरा नहीं है, मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी मेरी नहीं है, एक हिस्सा लोगों के पास है, एक हिस्सा मेरे काम के पास है, और कहीं ना कहीं मेरा खुद का समय मेरा नहीं होने वाला. आई विल ऑलवेज बी डिवाइडेड इन दिस प्रोफेशन. एक्स वाई जेड जो भी मेरी जिंदगी में आएगी, कहीं ना कहीं शी विल ऑल्सो बी इन द लाइमलाइट वेदर शी लाइक्स इट ऑर नॉट. सो समबडी हु कम्स इनटू माय लाइफ जस्ट हैज टू नो दैट वो एक हिस्सा है जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता. सो आई होप हूएवर कम्स इनटू माय लाइफ अप्रिशिएट्स दैट ओके दिस इज माई प्रोफेशन, इट्स नॉट समथिंग दैट शी कैन गेट अवे फ्रॉम एंड आई कांट गो अवे फ्रॉम इट. सो या, बट ये बहुत सीरियस हो गया मेरा आंसर. नॉर्मली इतना सीरियस नहीं होता, पर आज कुछ सीरियस मूड में आ गया. हाँ, उसके बाद आपका जी 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 यार कितने हैं. मैंने तो आर्टी फिल्में की है, तो मेरा तो मन करता है हर अच्छी पिक्चर करने का. मैं तो चाहता हूँ कि और काम करूँ. मुझे खुद अपनी सीमा पता नहीं है इस वक्त. आई डोंट नो माई लिमिट्स एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर. सो आई एम स्टिल डिस्कवरिंग. बहुत लोग पूछते हैं कि वॉट इज द काइंड ऑफ फिल्म यू वुड लाइक टू डू. आजकल ये भी दौर चला है कि बायोपिक्स होती है तो सब पूछते हैं आप बायोपिक करना चाहोगे. एक्चुअली मैं थोड़ा सा परे जाना चाहूँगा उससे. मैंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, मैं एक्चुअली एक रियल लाइफ सिचुएशन में एक फिक्शनल कैरेक्टर प्ले करना चाहूँगा. जैसे अगर आप मान लीजिए एक पिक्चर आई थी फॉरेस्ट गंप, तो उसमें टॉम हैंक्स फिक्टिशियस किरदार निभा रहे थे, पर वो जो होता है वो एक्चुअली रियल लाइफ में होता है. तो मान लीजिए कि कोई ना कोई सिचुएशन आए जिसमें यू कैन प्ले अ फिक्शनल कैरेक्टर बट द वर्ल्ड इज रियल, मुझे वो बहुत एक्साइटिंग लग रहा है. सो मोर देन जस्ट प्लेइंग ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, आई थिंक दैट वर्ल्ड टू मी इज वेरी एक्साइटिंग. आई थिंक जैसे भी आपने भी बताया कि 5 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं. 5 इयर्स में आपने अपने ऐसा लग रहा है मेरा एनिवर्सरी स्पेशल है ना. ऑफकोर्स हम सब खुश हैं. जी जी, थैंक यू. नहीं, मजाक कर रहा हूं. आपने जितने अपने प्रोफेशनल वर्क में जितना टाइम गुजारा है, उतना ही मेरा सिर्फ एक ही मानना है लाइफ में. देखो, यू शुड डू गुड वर्क, इवेंचुअली ऑडियंस आपको काम से सराहेगी, काम से जानेगी, काम से मानेगी. जो निजी जिंदगी में होता है वो थिएटर में टिकट बिकाने के लिए ज़रूरी नहीं है. वो चर्चा होती रहेगी, हम आगे बढ़ते रहेंगे, और आज कुछ बोला जाएगा, कल कुछ होगा, परसों कुछ होगा, पर ज़रूरी है कि काम सराहा जाए, काम पर ध्यान ज़्यादा दिया जाए. और मैं ये मानता हूँ कि मीडिया बहुत हद तक मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर चुकी है हमेशा. जब मैंने रिस्पेक्ट मांगी है, प्रिवेसी मांगी है, तब तक मुझे मिली है. जैसे आप सब आज जब इंटरव्यू कर रहे हो, आई रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट यू गाइस विल बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स मी. सो व्हेन समबडी इज राइटिंग और सेइंग समथिंग, यू कीप मूविंग अहेड, यू डोंट ड्वेल ऑन दीज थिंग्स. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमारा काम है काम करना और आगे बढ़ते जाना. जी जी, अब किसी और से भी तो पूछ. सॉरी, थोड़ा जोर से बोलो. बाहुबली ने जिस तरह बॉक्स ऑफिस पर, जी जी, यू नो ये नया सवाल आया है पिछले हफ्ते 10 दिन में, जो सवाल पूछ रहे, अंदाज़ा नहीं था कि बाहुबली ये करेगी. और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ एज समबडी हु इज फ्रॉम इंडिया कि एक बोल लीजिए मल्टीलिंगुअल बायलिंगुअल फिल्म ने ये बिजनेस किया. आई थिंक वी एज एन इंडस्ट्री एंड एज अ प्रोफेशन शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट दिस फिल्म हैज डन दिस बिजनेस. तो पहले मैं बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा बाहुबली को. अच्छी बात यह है कि इससे मुझे लगता है कि विश्वास आ गया कि लोग थिएटर में आना चाहते पिक्चर देखने के लिए. आप अच्छी पिक्चर बनाओगे तो इट डजेंट मैटर हु इज इट, दे विल कम एंड सी द फिल्म. कॉन्टेंट इज किंग. तो आश्वासन यही मिलता है कि चलो अच्छा काम करते जाओ, कहीं ना कहीं लोग आते जाएंगे. बिकॉज ये तो त्यौहार बन चुका है बाहुबली, पिक्चर नहीं रही, इट्स एन इवेंट. इट्स अ नाउ डिस्कशन होगी बिफोर बाहुबली एंड आफ्टर बाहुबली. बाहुबली के पहले फिल्मों को एक नज़रे से देखा जाता था, अब और मैं ये मानता हूँ हाफ गर्लफ्रेंड अगर फिल्म अच्छी हुई ना सर, तो अपनी जगह खुद बना लेगी. अगर लोग एक्सेप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं खुद जगह बना लेगी. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस वॉन्ट्स टू सी गुड कॉन्टेंट. अगर आप देखें इस छः महीने हो गए मई के महीने में, ज़्यादा हिंदी पिक्चरें आई भी नहीं, एक्चुअली कम आई हैं पिछले 6 महीने में, और स्पेशली लास्ट 2 महीने में. तो कहीं ना कहीं जो क्विंटेसेंशियल हिंदी मसाला सिनेमा इन्जॉय करते हैं, जो रोमांस इन्जॉय करते हैं, जो इंटेंस लव स्टोरीज इन्जॉय करते हैं, जो मोहित सूरी का म्यूजिक इन्जॉय करते हैं, उनकी पिक्चर इन्जॉय करते हैं, श्रद्धा के फैंस, चेतन के फैंस, जो मेरा काम अप्रिशिएट करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि अगर दे ऑल कम टू द थिएटर टू वॉच द फिल्म इन एक्साइटमेंट, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट अगर लोग नहीं देखने आए तो वो इसीलिए कि कहीं ना कहीं हमारा ट्रेलर या हमारा म्यूजिक या हमारा कॉन्टेंट वर्क नहीं कर रहा,
या अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होता है तो आजकल आप देख लेते हैं कि हर रोज पिक्चर बेटर 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 करते जाती है. सो आई वुड नॉट लाइक टू पिन पॉइंट कि प्रेशर बाहुबली के वजह से, द प्रेशर शुड बी ऑन योर फिल्म एज इट इज, कि आप अच्छी पिक्चर दोगे सो ऑटोमेटिकली पीपल हैव द ऑप्शन ऑफ कमिंग टू सी द फिल्म. सो आई एम होपिंग एंड आई डू बिलीव इवेंचुअली अगर आपका आपकी पिक्चर अच्छी होती है ऑडियंस मैनेजेस टू सी इट. टुडे हाउ मेनी टाइम्स वी सीन अ फिल्म मे बी इज नॉट ऑन द फर्स्ट शो बट सेकेंड शो पे वर्ड ऑफ माउथ होता है, थर्ड शो पे होता है. सो हाफ गर्लफ्रेंड फ्रॉम व्हाट आई हैव इंटरेक्टेड विद ऑल ऑफ यू ऑल, अभी सिटीज ट्रैवल किए वगैरह वगैरह, जो सोशल मीडिया पे फीडबैक है, जिस तरह म्यूजिक ग्रो हो रहा है, द बुक इज ऑलरेडी बिन अप्रिशिएटेड फॉर सो मेनी ईयर्स, देर आर नेम्स इन्वॉल्व दैट पीपल कंसिडर क्वालिटी नेम्स. सो आई थिंक ऑल दैट कमिंग टुगेदर आई हैव अ बिलीव दैट द फिल्म विल बी अप्रिशिएटेड एंड पीपल विल स्टिल गो एंड सी आर फिल्म एंड आई होप दे सी आर फिल्म एंड बाहुबली एट द सेम टाइम. आई थिंक पीपल वॉन्ट टू बी एंटरटेन्ड हियर इन आर कंट्री, देर आर वेरी फ्यू फॉर्म्स ऑफ बींग एंटरटेन्ड. Films is a primary source and I look forward ki half girlfriend aake log full ticket deke cinema ghar mein aake dekhe picture. Ji chaliye.